दोस्तों, जैसे कि मेरे 1 ईयर में 12 या फिर 13 मंथ में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, और कितने भाई लोग ऐसे मतलब बोलते हैं थंबनेल पे लगाते हैं कि 1 दिन में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट, 2 दिन में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट। अगर आप पॉपुलर वगैरह नहीं हो तो आप अगर ऐसा बोलते हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि वो लोग क्यों फेक वीडियो बनाते हैं, और अगर आप 1K सब्सक्राइबर 1 दिन में लेते हैं तो उसे आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आप बहुत जल्दी सब्सक्राइबर गेन करते हैं तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में मेरा 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने 1K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करवा दिया है। और 1K में थोड़े से कम है 15-20, तो वो तो कंप्लीट 1 ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। जैसे मेरे चैनल पर अच्छा खासा वीडियो हो चुका है तो मुझे 1 दिन में 20-25-30 सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं इजीली। तो अब चलिए आगे वीडियो में शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 1 दिन में अगर आपको कोई बोलता है कि 1K सब्सक्राइबर मैं दिलाऊंगा तो क्या वो सही है या फिर गलत। दोस्तों, मैंने चैनल आज से 13 मंथ पहले क्रिएट किया था, शायद मई में क्रिएट मैंने किया था 2020 में, और आज पूरे के पूरे 1 साल हो चुके हैं, 12 से 13 मंथ हो चुके हैं और मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि मेरे, आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर 1-1 दिन में नहीं आते थे। मैंने रेगुलर 3 मंथ जो है थंबनेल क्रिएट करने में, वीडियो एडिटिंग करने में, और आप बोल सकते हो काइन मास्टर के थोड़े ट्यूटोरियल जाने में मैंने लगा दिए ओनली 3 मंथ चैनल पे। रेगुलर 90 वीडियो मैंने अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 मंथ में कभी मेरा 2 वीडियो आ जाता है, 3 वीडियो आ जाता है, जबकि मैं रेगुलर नहीं हूँ। और अभी कगार पे बोल सकते हो कि व्यूज ऑटोमेटिक से अब बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी हर 1 वीडियो से अच्छे खासे मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द 10K 20K कम्प्लीट हो ही जाएगा, उम्मीद करता हूँ। लेकिन आखिर अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो बोलते हैं कि भाई 1 ईयर में, मतलब आप बोल सकते हो 1 डे में 1K कंप्लीट आपका हो जाएगा, तो उसको क्यों नहीं लेना चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके चैनल पे 1 भी वीडियो नहीं है, 1K सब्सक्राइबर आ जाए, तो 1K सब्सक्राइबर से तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। रूल ये है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, और 1 मतलब आप बोल सकते हो 1K सब्सक्राइबर आपके चैनल पे चाहिए, तभी आपका जो है चैनल वो मतलब आप बोल सकते हो कि बेसिक मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपका अर्निंग वगैरह होगा। लेकिन अगर आप लोगों को 1 डे में 1K सब्सक्राइबर मिल जाए तो आप लोगों को उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, और वो जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे कि नहीं ये भी डाउट होगा, प्लस में आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा ये भी आप बोल सकते हो डाउट होगा। तो जेन्युइन सब्सक्राइबर लेने के ये फायदे हैं, जैसे कि 1 दिन में आपके 1 भी सब्सक्राइबर ना मिले। फर्स्ट बार अगर आप चैनल क्रिएट करोगे तो व्यूज़ तो आएंगे नहीं, और मतलब 1, 2, 10, 5 सब्सक्राइबर 20, 25, 30 दिन में आएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका चैनल बहुत आगे जाएगा, और जैसे जैसे आप बहुत ओल्ड होते जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि वीडियो कैसे क्रिएट करना है, थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद जो आपके चैनल पे बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि मतलब आप बोल सकते हो कुछ दिन पहले 10 सब्सक्राइबर नहीं आते थे, और आज 50-60 सब्सक्राइबर 1 दिन में आ जाएंगे, तो ऐसे आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा से आपका चैनल ग्रोथ करने लगेगा अगर आप ओल्ड क्रिएटर हो तो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी फेक सब्सक्राइबर मत लीजिए, वरना आप मेहनत कीजिएगा और मेहनत वगैरह जो है आपका पानी में मिट्टी में मिल जाएगा, चैनल मोनेटाइज वगैरह नहीं होगा अगर आप फेक सब्सक्राइबर लेते हैं कहीं से जाके। मतलब आप बोल सकते हो कि बेकार सब्सक्राइबर ले लेते हैं जो जेन्युइन नहीं है, जो आपके वीडियो को प्ले नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि आप 1 दिन में मैं आपको 50K सब्सक्राइबर दिला दूँ, या फिर मेरे चैनल पर 1 दिन में 50K सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो मैं क्या कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं अगर जाऊं फेंक कहीं से सब्सक्राइबर 50K ले लूं तो मेरे वीडियोस पे व्यूज बढ़ेंगे, और क्या मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं, व्यूज नहीं आएंगे। वो सब्सक्राइबर बस काउंटिंग के लिए रहेंगे कि 50K सब्सक्राइबर है, और व्यूज आते हैं सिर्फ 28-30-35-100 के आसपास में, 200 आसपास में। कोई ऐसा होता है जो वीडियो 1K 2K 3K या फिर 10K चला जाए, मतलब बहुत दिनों के बाद से। तो आप बोल सकते हो ऐसे सब्सक्राइबर का कोई मतलब है ही नहीं, बस काउंटिंग के लिए सब्सक्राइबर हो। आपको देखने को मिल गया होगा कितने बार, मैं आपको अगले वीडियो में बता भी दूंगा, 1-2 वीडियो लाने वाला हूं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और सिर्फ व्यूज आते हैं 50, 10, 15। तो ऐसे क्यों होते हैं? तो सब्सक्राइबर मायने नहीं करता, आपके सब्सक्राइबर चाहे 100 हैं और आपकी वीडियो पे 50-60 व्यूज आ जाते हैं तो बहुत हैं, आप बुझे कि चैनल ग्रोथ कर रहे हैं। सब्सक्राइबर मायने नहीं करता भाई, आप मेहनत कीजिएगा, सीखिएगा ना, तो आप 1 वीडियो अपलोड कीजिएगा, वो ट्रेंड अगर कर जाता है तो 5-6K सब्सक्राइबर तो आपको उसी से मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको बनाने आना चाहिए, ये नहीं कि सब्सक्राइबर इतने हैं, सब्सक्राइबर ये हैं वो है, तो ये मतलब नहीं आना चाहिए आप लोगों को। वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप फेक सब्सक्राइबर लेते हैं। तो यही है अच्छे सब्सक्राइबर में और फेक सब्सक्राइबर में
अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो आप देखिए मेरे को कि जैसे आज एक दिन में 10 से 20 50 60 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं इजीली, तो ऐसे आप लोग भी हो जाइएगा। 1 ईयर मेहनत करके देखिए किसी भी चैनल पे, आपका चैनल 101% ग्रो होगा। और रेगुलर वीडियो मेरा नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर होगा क्योंकि आप लोगों का प्यार भी तो चाहिए ना। लाइव वगैरह आऊँगा किसी दिन, आपको दे दूंगा, कम्युनिटी में बोल दूंगा कि भाई इस दिन लाइव आ रहा हूँ, तो आप लोग इजीली लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप बोल सकते हो कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, बहुत आगे जाएंगे, मिल के आगे जाएंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।